हम एयरपोर्ट से बाहर आ गए हैं, काफ़ी दिक्कत जा रही थी टैक्सी बुक करने में बेस्ड ऑन इंडियन सिम कार्ड, तो हमें नया सिम कार्ड ही लेना पड़ा। और सिम कार्ड के काउंटर पे जो थे वो काफ़ी हेल्पफुल थे, उन्होंने हमें कुछ रियाल्स भी दिए कार्ड स्वाइप करके। यहाँ पे तो एग्जॉर्बिटेंट कमीशन चार्ज कर रहे थे, अगर हमें डॉलर टू रियाल चार्ज अगर चेंज करना है तो अप्रोक्सीमेटली 50-20% कमीशन वो मांग रहे थे। बट सिम कार्ड के काउंटर पे महाराष्ट्रीय नहीं थे कोई, जिन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की और काफ़ी सारे उनसे हमें इनपुट्स भी मिले। उन्होंने ये भी कहा कि आज फ्राइडे है तो 2 बजे तक सब कुछ इधर ऑलमोस्ट बंद रहता है, और कहा क्या करना है अगर एक्सचेंज करना भी रहा तो, और भी बहुत कुछ डिटेल्स उन्होंने हमें दी। तो कंपलसरी 2 दिन का होटल बुक करना पड़ा था, भले ही हम यहाँ पे जस्ट 20 आवर्स के लिए है, तो हम उसी होटल पे जा रहे हैं, थोड़ा रेस्ट करेंगे, अगर ब्रेकफास्ट वहाँ पे ऑप्शन होगा तो वहाँ पे ब्रेकफास्ट करेंगे। और थोड़ी देर हम बिल्कुल सोए नहीं हैं 2 दिन से, क्योंकि पहले दिन भी परसों भी हम पैकिंग के कारण और प्रिपरेशन में काफ़ी लेट सोए थे, और कल रात को भी हमारी फ्लाइट थी तो उसमें भी नींद हुई नहीं है। तो थोड़ा सोना और रेस्ट करना हमारे लिए ज़रूरी है। और डेजर्ट सफारी जो है वो हम अभी सनसेट वाली चूज़ कर रहे हैं, पहले मॉर्निंग में जाने का प्लान था लेकिन यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल का प्रोसेस काफ़ी लंबी क्यू थी। कतार में आपको बहुत लंबी कतार मिलेगी वीज़ा ऑन अराइवल के लेंस में, सो कीप दैट इन माइंड। और यहाँ पे सिम कार्ड भी आपको एयरपोर्ट पे लेना पड़ेगा, क्योंकि आसपास कुछ और दूसरा ऑप्शन है नहीं। तो 35 कतारी रियाल्स का हमने यहाँ पे सिम कार्ड लिया, जिसमें 2 GB डेटा मिलता है, क्योंकि वाईफाई का काफ़ी इशू था यहाँ पे, बहुत ज़्यादा वीक वाईफाई था और उस पर हमारी कैब भी बुक नहीं हो रही थी। एनीवेज सो अब हमने कैब बुक कर ली है, और यहाँ पे उबर में जो राइड हमें 30 QR की बता रहा था, वो राइड हमें टैक्सी ऐप में जस्ट 16-17 QAR में मिली है। सो व्हेन यू आर इन कतार, इंस्टॉल टैक्सी ऐप एंड सेव सब्सटेंशियल कॉस्ट। एयरपोर्ट से कुछ किलोमीटर की दूरी पे सिटी स्टार्ट होती है और हम सिटी में पहुंच गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ गोवा इज रियली 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 गुड, दिस इज समथिंग कमेंडेबल अबाउट ऑल द गल्फ कंट्रीज, देयर इंफ्रास्ट्रक्चर इज टॉप नॉच। तो यह है हमारा होटल अल सिवान सूट्स, जो कतार एयरवेज के थ्रू हमें बुक करना पड़ा था वीज़ा ऑन अराइवल के लिए। लेट्स सी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, रेटिंग्स आर गुड। Looks like desert palace. वैसे हमने मेक माई ट्रिप पे भी प्राइस चेक की थी, इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम प्राइस में ही था, 4,000-5,000 rupees पर नाइट। वी आर नॉट श्योर इफ इट इज इंक्लूसिव ऑफ ब्रेकफास्ट और नॉट, अभी हम पूछेंगे काउंटर पे। ब्रेकफास्ट रहा तो वी कैन रिक्वेस्ट इंस्टेड ऑफ टुमारो इफ वी कैन हैव ब्रेकफास्ट टुडे इटसेल्फ, बिकॉज वी वुड बी चेकिंग आउट बाय नाइट टू नाइट, मे बी 9 PM, 10 PM, होपफुली दे विल एक्सेप्ट आवर रिक्वेस्ट। वो अभी बज रहे सवेरे के 9 और उनका कहना है कि चेक इन टाइम इज 2 PM, बट दे आर चेकिंग इफ एनी रूम इज रेडी और नॉट।
हमने कहा कि हमने 2 दिन का बुक किया है और हम आज रात को ही चेकआउट करने वाले हैं, तो प्लीज़ इतना कर दीजिए, अदरवाइज इट वुड बी अ टोटली लॉस डील। और सिंस हमारा जो बुकिंग है वो सिर्फ रूम का ही है, तो ब्रेकफास्ट हमें अलग से परचेस करना पड़ेगा हमें। सो ये हमारी सरप्राइजिंगली गुड होटल वी वुड सी, दिस इज लाइक अ कॉमन रूम जिसमें किचन भी है, वॉशिंग मशीन, ओवन, नाइस टॉयलेट और ये है किंग साइज बेड। सो हम रेडी है अब हमारी डेजर्ट सफारी के लिए जो अभी 1 घंटे बाद है। उसके पहले हम लंच के लिए जा रहे हैं लेबनीज रेस्टोरेंट में जिसके रिव्यूज अच्छे हैं। हमें हमारा पिकअप लोकेशन चेंज करना पड़ेगा डेजर्ट सफारी के लिए, जो हमने इस होटल का लोकेशन दिया था। अब हम रेस्टोरेंट से डेजर्ट सफारी के लिए जाएंगे। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा इनका लॉबी एरिया है। टैक्सी फेयर जो है वो इंडिया के जैसे ही है, अप्रोक्सीमेटली 30 रुपीज़ किलोमीटर का यहाँ पे कैब फेयर है, विच आई वुड से इन सम केसेस बेटर देन बैंगलोर एज वेल। और कैब भी 30 सेकेंड्स में बुक हो जाती है, सो कैब वाइज इट हैज बीन प्रीटी गुड एक्सपीरियंस। या वहाँ बैठे हैं, सो खाना था लेबनीज बट वो रेस्टोरेंट तो कुछ मिला नहीं यहाँ पे, किसी को पता भी नहीं है। सो वी आर हैविंग श्रीलंकन फूड फॉर द लंच। ओके, बफे सिस्टम है यहाँ पे, लेट्स सी। लेबनीज के वजह श्रीलंकन फूड खा रहे हैं, बफे सिस्टम है। Approximately 15 riyals ka, 30-40 rupees ka. Hamari cab bhi on the way hai, location hum update kar diya hai. Desert safari hamari lunch ke baad jaldi shuru hogi. Milte hain desert safari pe. Land Cruiser humne book ki thi aur woh samay pe aa gayi hai. Yeah. How long it will take for desert? Around 45 minutes like this. 45 minutes? Yes. Okay, so हम 45 minutes में desert पहुंच जाएंगे। अभी तो city की कोई main buildings या area दिख नहीं रहा है, जैसे आएंगी मैं उसे record करूंगा। Roads तो काफी अच्छे हैं, but सब तरफ आप देख सकते हो barren lands है। Residential complexes काफी कम है। ट्रांसपोर्टेशन काफी इजी लग रहा है, कैब के रेट्स भी जैसा मैंने बताया काफी अफोर्डेबल और रिजनेबल थे। डेजर्ट पहुंचने में अप्रोक्सीमेटली 40 टू 45 मिनट्स लगेंगे। वहां पे कैमल राइड्स और फाल्कन वाले गेम्स भी है, इसमें इंक्लूडेड है नहीं है पता नहीं, वहां जाके देखते हैं। सो अभी रिसेंटली जो वर्ल्ड कप हुआ है कतार में, आप देख सकते हो वन ऑफ द स्टेडियम। कुछ स्टेडियम उन्होंने डिसअसेंबल भी किए थे, बट शायद ये वाला जो स्टेडियम है ये मेकशिफ्ट स्टेडियम ना हो, दिस वन इज परमानेंट। दे हैव डिसअसेंबल सम स्टेडियम्स एज वेल राइट, but not this one, this is permanent. Okay, right. Yeah, right, this is permanent stadium. So you can see dunes start ho chuki hai aur yahi area shayad vehicle tracks pe se aapko lag raha hoga. Yes,
Nice. Look at these desert bikes. इनके क्या रेंटल होते हैं? अच्छा अच्छा इनका खुद का लेके आया क्या? ये हमारी लैंड क्रूजर और यहाँ पे हम अभी आप देख सकते हो कैमल राइड भी इंक्लूडेड है और ये फाल्कन के साथ फोटोज आप देख रहे हो फाल्कन वहाँ पीछे देख रहे हो आप ड्यून्स इसी ड्यून्स के ऊपर हम जाएंगे लैंड क्रूजर की हवा निकालना शुरू है डेजर्ट में ऊपर जाने के लिए टायर्स में हवा का प्रेशर कम होना जरूरी है ताकि सैंड पे ये सही से चल सके लुक एट दिस फाल्कन लुक्स फियरलेस फर्स्ट टाइम इतने करीब से हम फाल्कन देख रहे हैं चाय कॉफी है यहाँ पे सेल्फ सर्व कैमल राइड भी इंक्लूडेड है हमारे पैकेज में सो अब हम करने वाले हैं कैमल राइड कैमल सफारी वैसे तो इंडियंस के लिए नया नहीं है कुछ बट पैकेज में इंक्लूडेड है तो वैसे नहीं कर रहा है कैमल राइड लास्ट टाइम मैंने किया था कैमल राइड वो भी थार के डेजर्ट में राजस्थान में ही किया था उसके बाद आज कर रहा हूँ आज फ्राइडे होने से थोड़ी एक्स्ट्रा भीड़ है इधर आज फ्राइडे हॉलीडे होता है सबके लिए नूपुर इधर देखो दोनों देखो इधर आ रहे ना सीध भाई खतरों के खिलाड़ी है धूप का पूरा मजा लेते हुए लास्ट स्टॉप इन डेजर्ट सफारी सनसेट का समय हो रहा है आप देख सकते हो बेयर्स सी मीट सैंड बहुत ही जबरदस्त राइड भी बहुत ज्यादा थ्रिलिंग थी 40-45 डिग्री के स्लोप्स पे तो इजीली चला रहे थे काफी डर भी लग रहा था इट्स बीन फ्यू आवर्स मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की है और काफी सारे अपडेट्स देने के लिए
तो हम वैसे तो हम दोनों को स्मार्टफोन्स लेने थे, मुझे ना था S23 अल्ट्रा और नुपुर को ना था 15 प्रो मैक्स। 15 प्रो मैक्स पूरे दोहा में, पूरे कतार में कहीं नहीं है, और है भी तो इन्फ्लेटेड प्राइस पे है क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि मुझे मिल गया है S23 अल्ट्रा 512 GB जस्ट फॉर ₹3100, जो कि इंडिया के प्राइस में कन्वर्ट होता है अप्रॉक्सीमेटली 71,000 में। और इंडिया में आप इसकी प्राइस देखोगे तो आपको कोई भी ऑफर लगा के कम से कम 1,20,000 में ज़रूर मिलेगा। तो मेरा ₹50,000 का यहाँ पे फ़ायदा हो चुका है। फिलहाल तो मैंने वो फ़ोन अभी तक यूज़ करना स्टार्ट नहीं किया है, बट ट्रैकिंग पे जब मैं जाऊँगा तो उसी फ़ोन से सब मेरी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी रहेगी, क्योंकि जो करंटली मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ उसकी बैटरी थोड़ी पुरानी हो गई है, 85% तक ही चार्ज होती है और डिस्चार्ज भी काफ़ी जल्दी हो रही है। तो मेरे लिए फ़ोन लेना बहुत ज़रूरी था और इससे अच्छे प्राइस में पूरे इंडिया में तो मिलना मुश्किल ही था। और अभी हम आए हैं सोक वाकिफ, ये पूरा मार्केट एरिया है कतार का, सिटी सेंटर जैसा आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा स्क्वायर है, बिजी स्क्वायर। और हर किसी ने हमें यही रिकमेंड किया है, वो साइड में अगर आप देख रहे होंगे तो वो है सोक वाकिफ, वहाँ हम जाने वाले हैं, तो आइए चलते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सोक वाकिफ, देख के लग रहा है सिटी का पॉपुलर एरिया है, क्योंकि इतना क्राउड हमें अभी तक तो और कहीं नहीं दिख रहा। डेजल सफर हमारे ओवरऑल काफ़ी अच्छी रही और एक यूनिक एक्सपीरियंस आया जो हमारे डेजल सफारी के गाइड थे या जो जिन्होंने हमें डेजर्ट सफारी करवाई, वो एक्चुअली थे पहले पाकिस्तान के, लेकिन जब हमने उनको इनिशियली पूछा तो उन्होंने कहा कि वो ओमान के हैं। हमने भी माइंड नहीं किया क्योंकि हमें तो मैटर नहीं करता कोई भी देश से हो, लेकिन जब हम आपस में बात कर रहे थे हिंदी में और उनको भी समझ में आया कि हम भी इंडिया से हैं एंड इंडियंस आर यूजुअली गुड पीपल, बिहेव गुड विद देम, तब उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान से है और यूजुअली दे हैव टू टेल इट दैट वे ओनली बिकॉज लोग काफ़ी डिसरेस्पेक्टफुल होते हैं टूवर्ड्स कैब ड्राइवर्स एंड इंडियंस एंड पाकिस्तानीज एंड बांग्लादेशीज, ऐसा उनका पर्सपेक्टिव था। यूजुअली वो बोलते हैं कि अगर हमें किसी ने पूछा तो हम हमारी नेशनलिटी अलग बताते हैं ताकि वो हमें ड्यू रिस्पेक्ट दे जो वो डिज़र्व करते हैं। तो इट वॉज सरप्राइजिंग, बट जब आप उनके पर्सपेक्टिव से सोचते हो तो इट मेक्स सेंस एज वेल, मीन्स हमें उसका बुरा नहीं लगा। और बाद में फिर तो हम काफ़ी हर टॉपिक पे हमने बात की, क्रिकेट पे, नेशनल इश्यूज़ पे और भी बहुत कुछ बातें की। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हमें गाइड भी किया। स्मार्टफोन वाला मार्केट उन्होंने बताया कि अल वतन मार्केट है दोहा में, जहाँ पे हम काफ़ी कम प्राइजेस में स्मार्टफोन खरीद सकते हैं और हमें मिला भी, तो उनकी हमें काफ़ी हेल्प हुई, थैंक यू। ये देखिए दिस इज सोक वाकिफ आर्ट सेंटर। देख के ही पता चल रहा है, लुक एट दिस, वाओ, जस्ट लुक एट दिस। हर शॉप में यहाँ आर्टिस्ट बैठे हैं, जस्ट लुक एट दिस, लाइव पेंटिंग्स चल रही है हर जगह।
सो दीज आर द कॉफी शॉप्स जिसके बारे में हमारे सफारी वाले भैया जी बात कर रहे थे कि यहाँ पे आपको लोग दिखेंगे जो बस बाहर चेयर पे मस्त कॉफी शॉप में बैठे हुए हैं, उसका पी रहे हैं। यू कैन सी इट, बहुत ही लाइवली ये मार्केट है, सिंपली ब्यूटीफुल। सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज का क्विजिन यहाँ अवेलेबल है, इजिप्शियन, ईरानियन, इराकी, और हर शॉप फुल्ली पैक्ड है। अरोमा भी यहाँ पे जो अलग अलग सेक्शन में आ रहा है वो भी यूनिक है। छोटी छोटी गलियां, लक्ष्मी रोड पे आई जैसी फीलिंग आ रही है। हाय, हेलो, हाय, पूछ लो, पूछ के देखते हैं। जन्नत फिरदौस परफ्यूम का नाम है। है ना अपने पास ये? हाँ, क्या प्राइस वगैरह क्या कुछ? 20 है इसमें लगा टाइम। जन्नत फिरदौस परफ्यूम का नाम है वो, मतलब काफी सारे शॉप है इधर परफ्यूम के। हो गया था। पापा को खुश करने के लिए परफ्यूम लेते हुए सीड।